हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग, हमारा ये टॉपिक है जो है थ्योरीज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने इसको यूट्यूब पे सर्च किया था और इसके ऊपर बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए यूट्यूब पर, और किसी भी एक दो वीडियोस है और उसमें आपको, मतलब मुझे तो देखने पर वो समझ नहीं आई, बट हो सकता है आपको समझ आ जाएँ, तो अगर आपको देखने चाहे तो देख सकते हो। बट मतलब हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था कोई भी वीडियो में, तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे पंजाबी हैं तो हम लोगों को हिंदी ज़्यादा समझ आती है, तो इस वजह से इस वीडियो को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसके पहले मेरे चैनल पर इशू का एक प्लेलिस्ट है मेरे अकाउंट में, इशूज़ की, इशू सब्जेक्ट है जो हमारा इशूज़ ऑफ इंडियन कॉमर्स, तो उसमें प्लेलिस्ट में बहुत सारी FDI से रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मतलब जो भी इसके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गाइस, इस वीडियो में आपका माइंड ओपन होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आप जैसे, आपको ये ध्यान में रखना है एक तरह से कि आप मेरे से एक स्टोरी सुन रहे हो, तभी आपको जो इसकी थ्योरीज हैं कॉम्प्लिकेटेड की बजाय इंटरेस्टिंग लगेंगी। अगर तो आप उसको स्टोरी माइंड से लेके चलते कि ये हम स्टोरी सुन रहे हैं, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं उसकी स्टोरी हमें पता होती तो हम उसको इजीली कैच कर पाते हैं, तो हमने इस वीडियो में इन थ्योरीज़ को ऐसे ही कैच करना है। लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखना है, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड रखना है। जब तक आपको वो स्टोरी नहीं पता होगी क्या हुआ उस स्टोरी में, आप उसको खुद से नहीं लिख पाओगे। तो ये नहीं मैं कहूँगी कि डिट्टो आपने यही करना है, अगर आप समझ लोगे तो आप खुद से बहुत, इससे भी 100% अच्छा लिखोगे। मेरी तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, बट आप अपने से इससे भी अच्छा लिख पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, थ्योरीज़ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा FDI की इंट्रो दे रही हूँ, जस्ट स्मॉल। बाकी अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं FDI की मीनिंग। व्हेन फॉरेन कंट्रीज, पहले FDI की डेफिनेशन क्या है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। व्हेन फॉरेन कंट्री कंपनी इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, जब फॉरेन कंट्री की किसी, मतलब बाहरली किसी कंट्री की कोई कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, फॉरेन कंट्री अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड FDI। फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी हमारे इंडिया में कहीं भी इन्वेस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर तो देखिए, अब इन्वेस्टर का देखिए, इफ़ इन्वेस्टर, जो बंदा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर तो इफ़ इन्वेस्टर बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री, अगर इन्वेस्टर, ये नहीं है कि इन्वेस्टर इंडिया में रह रहा है, नहीं, अगर इफ़ इन्वेस्टर बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री, ओनली दैट इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड FDI, सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट को FDI मानेंगे। अब देखिए दूसरे में क्या लिखा है, अगर फॉरेन कंट्री में, अगर द फॉरेन कंट्री इन्वेस्टमेंट दैट कंपनी बिलोंग्स टू आवर कंट्री, कंपनी हमारी कंट्री की है, इन्वेस्टमेंट फॉरेन से हो रही है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम FDI नहीं कहेंगे। वो बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है वो फॉरेन से ही बिलोंग करता होना चाहिए, दैट इज़ FDI। छोटा सा मैंने जस्ट मीनिंग बताया आपको और मुझे लग रहा है आपको कैच हुआ होगा, ये नहीं आप लाइंस में कंफ्यूज हो गए होगे जो मैंने बताने की कोशिश की, मेन FDI होता गया आपको वो समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत आसान भाषा में बोला है, फॉरेन का कोई बंदा इंडिया में कुछ भी इन्वेस्ट करता है, दैट इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड FDI, ठीक है जी, सिंपल सा था। अब आते हैं हम लोग थ्योरीज, कुछ थ्योरीज हैं इसकी, 3 या 4 हैं आई थिंक, हम लोग कवरअप करेंगे। फर्स्ट थ्योरी है हमारी प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी ऑफ वर्नन। अब ये थ्योरी का नेम याद करने के लिए तो मैं आपको कोई ट्रिक बताऊंगी नहीं कि थ्योरी का नेम क्या है, 4 ही थ्योरीज हैं इसकी, तो नेम तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बट जो इन पॉइंट्स के अंदर स्टोरी है ना, आपको इतने इजी वे से समझ आने वाली है ना इस वीडियो में, आप इस वीडियो के बाद में मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर जाना तो आपको सबसे अच्छी स्टोरी किस थ्योरी की लगी, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी ऑफ वर्नन। अब इस थ्योरी का हमने नेम पढ़ लिया, अब हम करेंगे हमारी स्टोरी स्टार्ट, एक हम कहानी सुनने वाले हैं, पढ़ूंगी मैं यहीं से ही, बताऊंगी भी यहीं से ही, पर आपने उसको एक कहानी में लेके चलना है कि हम लोग एक कहानी कर रहे हैं। देखो कैसे प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी,
ठीक है, हम प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी करें। अब ये इसका पहले तो जन्म देखो कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, इसी के अंदर नेम है इसका वर्नन, डेवलप्ड बाय वर्नन। वर्नन ने इसको डेवलप किया था इन 1966। ठीक है, इसको क्यों डेवलप किया गया था, ताकि ये हमारे लिए FDI को एक्सप्लेन करे, FDI को एक्सप्लेन करे। प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी को डेवलप किया गया था थ्रू वर्नन इन 1966, ताकि वो एक्सप्लेन करे सर्टन टाइप्स ऑफ FDI। ठीक है जी, सर्टन टाइप ऑफ FDI को वो एक्सप्लेन करे जो कि मेड बाय US कंपनीज इन वेस्टर्न यूरोप आफ्टर, मेड बाय US कंपनीज में बनी थी एंड इन वेस्टर्न यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जो ये यहाँ पे US वेस्टर्न कंपनीज आया, अभी आपको ये लाइन समझ मेरे हिसाब से नहीं आई होगी, आपको यहाँ तक समझ आया है FDI एक्सप्लेन, मतलब प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करने के लिए डेवलपमेंट हुई है। अब जो यहाँ से आगे की लाइन है ना, जब ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद आपको US कंपनी का क्या रोल है इस पूरी स्टोरी में, वेस्टर्न यूरोप का क्या रोल है, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपको स्टोरी में क्या पता चला जी, उसकी डेवलपमेंट हुई बाय वर्नन इन 1966, किस लिए उसकी डेवलपमेंट हुई, ताकि वो FDI को एक्सप्लेन कर पाए, स्टोरी का इतना पार्ट पता चला। अब जो वर्नन था जिसने इसको डेवलपमेंट की, वर्नन बिलीव दैट देयर आर 4 स्टेजेस। वर्नर का क्या सोचना था कि हमारे लिए कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए 4 स्टेजेस होती हैं, 4 साइकिल्स होते हैं। फर्स्ट इनोवेशन, किसी चीज़ को इनोवेट करना, देन ग्रोथ करना, देन उसमें मैच्योरिटी आनी एंड देन डेक्लाइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्नन ये 4 स्टेजेस होती हैं। अकॉर्डिंग टू वर्नन इन द फर्स्ट स्टेज US ट्रांसनेशनल कंपनीज क्रिएट न्यू इनोवेशंस प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टार्टिंग में देखिए, अकॉर्डिंग वर्नन के अकॉर्डिंग जो पहली स्टेज है, क्या है पहली स्टेज, इनोवेशन की, उनको इनोवेट करना है। तो जो US ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, जो US की कंपनीज हैं, वो क्रिएट करती हैं न्यू इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती हैं फॉर लोकल कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट दी सरप्लस इन ऑर्डर टू सर्व ऑल्सो दी फॉरेन मार्केट। और ऐसे मतलब उसको क्रिएट करती हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी कमाती हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती हैं, देन उनको एक्सपोर्ट भी करती हैं, उनकी लोकल कंजप्शंस लोकल में मतलब प्रोवाइड करती हैं, बाहर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती हैं और उसमें से अपना प्रॉफिट भी निकालती हैं, सरप्लस इन ऑर्डर टू सर्व ऑल्सो फॉरेन मार्केट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो हमने ऊपर पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, इस प्रोडक्शन साइकिल जो हम लोग प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे भी थी जो मैंने बोला आपको अभी समझ नहीं आएगी बिकॉज ये स्टोरी में आएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन यूरोप, जब यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तब वहाँ पे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते थे US में, उनकी डिमांड यूरोप में बढ़ गई थी। जो प्रोडक्ट्स US में मैन्युफैक्चर्ड होते थे उनकी डिमांड यूरोप में बढ़ गई थी, कब, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन साइकिल में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप हैज़ इंक्रीज डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट लाइक टूज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन USA, जैसे प्रोडक्ट्स USA में प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी डिमांड बढ़ गई थी। अब एट ए टाइम US से तो वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता था, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, अमेरिकन फर्म्स ने। अमेरिका, US एंड यूरोप, तीन कंपनीज हैं इस मतलब कंट्रीज हैं इस स्टोरी में, US, यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है, US का काम था मतलब अमेरिका और यूरोप दोनों को वो मटेरियल प्रोवाइड करता था USA, USA जो था अमेरिका और यूरोप दोनों को देता था। अब जब यूरोप में डिमांड पड़ी तो अमेरिका ने उसका फ़ायदा उठाया, जो प्रोडक्ट USA यूरोप को डिलीवर करता था मतलब एक्सपोर्ट करता था, जो प्रोडक्ट्स USA यूरोप को देता था, थस अमेरिकन फर्म बिगन्स टू एक्सपोर्ट, उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना अमेरिकन फर्म ने स्टार्ट किया और उनको यूरोप तक भेजना शुरू किया। हैविंग दी एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी की जो आजकल न्यू इनोवेशंस हो रखे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके उसने फटाफट से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया, बनवाया, मैन्युफैक्चर किया एंड देन उसको एक्सपोर्ट किया। और इससे उसके जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स,
लोकल कॉम्पिटिटर्स अलग हैं, अब ये इंटरनेशनल हो गए ना। अब इसका कॉम्पिटिटर कौन है अमेरिका का? यूरोप। सेम सेम दोनों को सॉरी यूएसए, अमेरिका का सेम प्रोडक्ट अमेरिका ने कॉपी किया ना यूएसए का, यूएसए ये प्रोवाइड कर रहा था, इनको सप्लाई करता था। बट अब एकदम से डिमांड बढ़ गई, यूएसए से जब तक पहुंचाता उससे पहले अमेरिका ने पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये अमेरिका ने कंपटीशन ले लिया एक तरह से यूएसए से। अब यूएसए अमेरिका और यूरोप दोनों को देता है। देखो अब आगे ध्यान से सुना, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, अभी फर्स्ट स्टेज ही चल रही है, अभी उन्होंने इनोवेशन किया प्रोडक्ट का जो हमने ऊपर अभी अभी देखा था, है ना। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैव एन एडवांटेज बाय प्रोसेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन साइकिल की जब पहली स्टेज होएगी ना, उसी समय मैन्युफैक्चरर्स जो उस प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं वो चेक करेंगे कि जो उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी इसके अंदर लाई है उसका उनको कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करेंगे। अगर उनको कोई फ़ायदा नहीं लग रहा होएगा तो वो उस प्रोडक्शन साइकिल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी मतलब उन्होंने जो यूज़ किया, जब तक हमारा फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई नहीं होगा हम सेकंड पे थोड़ा जाएंगे। तो सेम वे इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन साइकिल मैन्युफैक्चरर्स चेक करेंगे कि उनको क्या एडवांटेज हो रहा है जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी प्रोसेस की है। जैसे अगर हम एक प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है या कम होती है, कैसे वो बिकता है उससे पता चल जाता है ना। सेम वे से हमें टेक्नोलॉजी का भी पता चल जाता है एज द प्रोडक्ट डेवलप, जैसे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट या गिरता है वैसे ही टेक्नोलॉजी का भी हमें पता चल जाता है। ऑल्सो द टेक्नोलॉजी बिकम्स नोन, सेम वे से टेक्नोलॉजी का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो राइट जा रही है या रॉन्ग वे में जा रही है, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज करते हैं सारे प्रोडक्ट्स को। पर आपको यहाँ पे अब कॉम्पिटिटर्स कंपनीज मिल गई ना, देखो यूरोप की कॉम्पिटिटर, यूएसए की कॉम्पिटिटर कौन बन गई जी? अमेरिका। अब दूसरी बारी आती है यूरोप की, अब यूरोप भी पंगा लेना चाहेगी, ठीक है। देयर बाय यूरोपियन फर्म हैज़ स्टार्टेड इमिटेटिंग अमेरिका प्रोडक्ट्स दैट यूएस फर्म्स वर एक्सपोर्टिंग। अब देखो यूएस फर्म्स जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही थी अमेरिका को, अभी अमेरिका ने पीछे कॉपी किया ना उसको, यूएस को मतलब अमेरिका ने इसका काम जो ये इसको प्रोवाइड कर रहा था वो अमेरिका ने खुद बनाने लग गया। अब सेम वे से यही बंदा जो अमेरिका को भेज रहा है प्रोडक्ट्स, अब इसकी कॉपी करेगा यूरोप, अब यूरोप डायरेक्टली भेजेगा अमेरिका को। देखो देयर बाय यूरोपियन फर्म्स हैव स्टार्टेड कॉपिंग, ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो इमिटेटिंग की जगह, यहाँ उसको वो कॉपी लिख सकते हो आपकी, वो कॉपी कर रहे हैं मतलब कॉपी अमेरिकन प्रोडक्ट्स दैट, अमेरिका के वो प्रोडक्ट्स, अमेरिकन प्रोडक्ट्स दैट यूएस फर्म्स वर एक्सपोर्टिंग, जिनको यूएस फर्म्स एक्सपोर्ट कर रही थी दीज कंट्रीज को, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए, यूएस कंपनीज वर फोर्स टू परफॉर्म प्रोडक्शन फैसिलिटीज। अब यूएस कंपनी, अब यूएस के अगेंस्ट अमेरिका ने पहले एक्शन लिया, देन यूरोप चला गया काम, जो ये दोनों को सप्लाई कर रहा है तो दोनों ने इसके अगेंस्ट इसी का काम ठप कर दिया ना। आप लोग स्टोरी के बेस पे जाओ इसको, तो यूएस कंपनीज वर फोर्स, अब वो फोर्स हैं कि वो ये प्रोडक्शन फैसिलिटी जैसे भी चल रही है इसको चलने दे, लोकल मार्केट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर इन दोज एरिया, ताकि इनके मार्केट के जो थोड़े बहुत शेयर्स हैं वो डाउन ना जाएं, ठीक है। तो अब ये उसके लिए वो फोर्स हो चुकी है। दिस थ्योरी मैनेज टू एक्सप्लेन, ये जो हमने प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी की, हमारी थ्योरी बातों बातों में ख़त्म हो गई है बाय द वे। दिस थ्योरी मैनेज टू एक्सप्लेन सर्टन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन यूरोप वेस्टर्न मेड बाई यू एस कंपनीज बिटवीन 1950 to 1970। 1966 में आया था ना ये वाला हमारा प्रोडक्शन साइकिल, देखो 1966, तो ये 1950 से लेके टोटल 1970 तक का ये सारा थ्यूरी का बेस था, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को फर्स्ट थ्यूरी क्लियर है। आफ्टर दैट आती है हमारी सेकेंड थ्यूरी, द थ्यूरी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो थ्योरी एक्सचेंज रेट। अब इसमें बेसिकली क्या है, अगर आपको मैं इसकी स्टोरी का बेस बताऊं तो जो हमारी करेंसीज नहीं होती अलग अलग कंट्रीज़ की, एक्सचेंज रेट आपको समझ आ गया होगा, है ना, एक्सचेंज रेट होता है उसके ऊपर है, ठीक है। अब देखते हैं, दिस इज़ अनदर थ्योरी विच ट्राई टू एक्सप्लेन FDI, ये एक अनदर थ्योरी है जिसने भी ट्राई किया है कि वो एक्सप्लेन कर सके FDI को। इनिशियली द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हैज़ बीन एनालाइज्ड
इनिशियली तो हम फॉरेन से एक्सचेंज करने में जो रिस्क आता है उसको एनालाइज कर सकते हैं फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब उसके बाद दो ऐसे टापू हैं, इटागकी एंड चुशमन, ये 1981 में बना था, ये 1985 में, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इन दोनों आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। इटागकी एंड चुशमन अनाइल्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसर्टेनिटी एज अ फैक्टर ऑफ FDI, क्या करते हैं ये दोनों, इटागकी एंड चुशमन अनाइल्स करते हैं, अनाइल्स उसको चेक करते हैं, अनाइल्स द इन्फ्लुएंस की उसका असर कितना पड़ रहा है, अनसर्टेनिटी कितनी है, फ्यूचर कितना अनसर्टेन है FDI का, वो चेक करते हैं ये लोग, अनाइल्स करते हैं, ठीक है। इन दी ओनली एम्पेरिकल एनालिसिस मेड एट सो फार, ये एक ओनली वे है इसको एनालिस करने का, चुशमन जो है हमारा ये वाला एरिया, चुशमन शोज दैट रियल एक्सचेंज रेट, ये क्या शो करता है कि एक्सचेंज रेट जो है मतलब करेंसीज में है कितना इंक्रीमेंट हुआ है, स्टिम्युलेटिंग FDI मेड बाई USD, हील फॉरेन करेंसी अप्रिशिएटेड हैज़ रिड्यूस्ड अमेरिकन FDI, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएटेड कितनी रिड्यूस हुई है अमेरिकन FDI से, सब कुछ इसका काम है कि इसको चेक करना है। अब देखिए चश्मन ने क्या कंक्लूड किया, दैट द डॉलर अप्रिसिएशन हैज़ लेड टू बी रिडक्शन, जो डॉलर में है अप्रिसिएशन वो कितनी रिडक्शन हुई है, रिडक्शन इन US FDI बाय 25%, US के FDI में 25% रिडक्शन हुई है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देख सकते, मतलब मेन आपने इसको डॉलर या करेंसी पे बेसिकली लेके चलना है, देखो हाउएवर करेंसी का जो रिस्क रेट है, करेंसी रिस्क रेट ही एक तरह से हम लोग कर रहे हैं ना, एक्सचेंज रेट है ना थ्योरी कर रहे हैं, तो करेंसी रिस्क रेट थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, इसको हम एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते स्टिम्युलेंसली, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज विद डिफरेंट, क्योंकि FDI अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज में है, अलग अलग, अब कोई बाहर, क्योंकि FDI क्या है कि फॉरेन कंट्री का बंदा दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, दैट इज़ FDI, हमने स्टार्टिंग में मीनिंग किया था, किसी फॉरेन कंट्री का बंदा जो इस कंट्री को बिलोंग करता है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज़ FDI, सेम कंट्री का पर्सन तो कर नहीं सकता, अब ऑब्वियस है कंट्री अलग तो करेंसी अलग, तो FDI सारी कंट्रीज में अलग अलग रूल्स होंगे सबके, तो इसको हम एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारा इसमें करेंसी का कितना रिस्क आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट द सस्टेनर्स आर्ग्यू दैट सच इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन डिफरेंट टाइम्स, सस्टेनर्स ने इसके ऊपर काफ़ी आर्ग्यू भी किया है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, बट देयर आर इनफ केसेस दैट कॉन्ट्राडिक्ट दीज क्लेम्स, ऐसे बहुत से केसेस है जिन्होंने अपने क्लेम के लिए मतलब अप्लाई किया हुआ है बट उनको मिलते नहीं, क्योंकि ये जो करेंसी का रेट है ना, एक्सचेंज रेट, अभी आपको पता होगा डॉलर्स की कीमत, एक डॉलर आई थिंक हमारे इंडिया में 70 या 80 रुपीज़ के नियर बाय है, पता नहीं 84 रुपीज़ है, अब वो कभी भी इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, जैसे एक डॉलर हम अभी हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने जब इन्वेस्टमेंट की तब एक डॉलर था 85 रुपीज़ का फॉर एग्जांपल, पर जब हम उसको रिसीव करने जा रहे हैं एक डॉलर रह गया 50 का, तो हमें तो 50 के ही, हमने जब इन्वेस्ट किया हमने 85 के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया, जब रिसीव किया तो हमने 50 के अकॉर्डिंग रिसीव किया, तो वो हमें लॉस हुआ, तो ऐसे बहुत सारे केसेस इसके अंदर पेंडिंग। आई होप गाइज आपको ये हमारी दो स्टोरीज अच्छे से क्लियर हैं, इसके बाद दो स्टोरीज और हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर इसी में चारों थ्योरीज एक्सप्लेन कर दूंगी, तो इसमें दो थ्योरीज एक्सप्लेन की है और दो स्टोरीज ही अकॉर्डिंग टू दैट बनी है, और आई होप आपको वो समझ आई हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है इशूज ऑफ इंडियन कॉमर्स, उसके अंदर आपको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों मिल जाएंगे, पार्ट वन तो आई थिंक आपने देखा है तभी आप पार्ट टू की तरफ जाओगे, तो पार्ट टू के लिए आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी जो प्लेलिस्ट है उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी उनको प्लेलिस्ट को ओपन करके अपने जितनी भी आपको वीडियोस लगती है आप उनको देख सकते हो, और मेरी गारंटी आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।